मैडम के बुलंद झंडे हैं, पीडीपी का बुलंद झंडा है, कश्मीर से लहराता हुआ झंडा आएगा जम्मू में, इनको हमें लेना ही पड़ेगा, हमारे बिना इनकी सरकार नहीं बनेगी। पीडीपी के बिना बीजेपी की सरकार, बीजेपी के साथ तो बनाएंगे नहीं हम, क्यों बनाएंगे, हम देखेंगे किसके साथ बनाएंगे, लेकिन 18-20 एमएलए हमारे खड़े हैं। अगर आखिरी मौके में बीजेपी बच गई, उसी के साथ बनाना पड़ा तो क्या करेंगे, पहले भी तो बनाई थी, तो बाद की बात है, पहले भी तो बनाई थी, वो देखेंगे ना जब बड़े लोगों का, पहले भी तो आपकी सरकार बनी, हाईकमान का फैसला होगा जो, अच्छा मतलब अभी हाईकमान का, हाँ वो जब उनका होगा वो देखेंगे ना, लेकिन अभी तो ऐसे अभी डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर जो है बियर मिलने जा रही है, ऐसा आपने देखा कि जम्मू मंदिरों का शहर है, अब आपको लगता है कि ये मंदिरों का शहर ही रह जाएगा? हरे मंदिरों का शहर था, लेकिन बीजेपी की गुंडागर्दी से मंदिरों का शहर खत्म हो रहा है, इन्होंने मंदिरों का शहर क्या ठेकेदारों का शहर बना दिया, जहाँ पे बियर का शहर बना दिया, शराब का शहर बनाया, किसने बनाया, बीजेपी वालों ने, बीजेपी वालों, हाँ वो भला नहीं चाहते, भला कहाँ चाह रहे हैं, आप खुद देखो ना, बेरोजगार अगर बच्चे हैं तो क्या करोगे आप उनको, बियर के ठेके खोल के दे दोगे, बियर की दुकानें खोल के दे दोगे, और कोई रोजगार नहीं बचा इनके पास, आर्मी नहीं है इनके पास, पुलिस नहीं है इनके पास, सिविल डिपार्टमेंट कोई नहीं है इनके पास, इनकी गुंडा राज है ये, बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए। रविंद्र रैना जी तो कहते हैं कोई दुकान नहीं खुलने देंगे, बियर की कहीं नहीं मिलेगी, भाई उसका क्या है, वो तो जिस तरफ मर्जी ले जाओ उसको, वो तो भोंकेगा, वो तो कहता है इनको भी जो अभी स्ट्राइक पे हैं, जो पक्के नहीं हुआ डेली वेजर, उन कहते हैं उनको भी तो कहता मैं पक्का करूंगा, बस होने वाला आपका काम, कब होने वाला है, करेंगे जब बोल लेने तब करेंगे, अभी थोड़ी ना करेंगे। जब पीडीपी इख्तियार में थी उसने क्या किया? भाई पीडीपी जब थी ना, पीडीपी मिली जुली सरकार थी, पीडीपी अकेले तो नहीं ना ले सकती थी कोई भी डिसीजन, मैडम ने अगर किया तो इनके साथ ही मिलके काम किया है ना, आज ये कहते हैं कि मैडम खराब है, जब वो खराब है, इनको तब शर्म नहीं आई जब इन्होंने हमारे साथ सरकार बनाई, 3 साल चली सरकार, तब इनको पेट में कोई दर्द नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? लेकिन जहां तक बीजेपी की बात करते हैं, आपने कहा कि वही जम्मू कश्मीर का भला नहीं चाहते, तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी सरकार है जो जम्मू कश्मीर का भला? हम तो कहते हैं बीजेपी वालों को लखनपुर पार करो, इस बार करो पार, इन्होंने हमारी चीनी कोपन की छीन ली, आटा छीन ली, 4 किलो आटे के साथ आप कैसे अपना घर चलाओगे, कैसे चलाओगे? आप कहती हैं कि इनको लखनपुर के पार करें, लेकिन वो तो इधर मुख्यमंत्री बनने का सपना, मतलब सीएम, अरे मुख्यमंत्री बनने का सपना ही देख रहे हैं ना, बन थोड़ी गया है, वो तो देखेंगे जब बनेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं जम्मू की हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जम्मू का नहीं बनना चाहिए, लेकिन इनके सपने सपने ही रह जाएंगे। मतलब आप नहीं चाहती बीजेपी का सीएम? इनके सपने सपने, मैं नहीं, मैं बीजेपी का क्यों बनाऊं भाई, मैं क्यों बनाऊं बीजेपी का, हम अपनी सीएम को करेंगे आगे, उसको बनाएंगे। फिर भी आप देखना, मैडम के बुलंद झंडे हैं, पीडीपी का बुलंद झंडा है, कश्मीर से लहराता हुआ झंडा आएगा जम्मू में, इनको हमें लेना ही पड़ेगा, हमारे बिना इनकी सरकार नहीं बनेगी। पीडीपी के बिना बीजेपी की सरकार, बीजेपी के साथ तो बनाएंगे नहीं हम, क्यों बनाएंगे, हम देखेंगे किसके साथ बनाएंगे, लेकिन 18-20 एमएलए हमारे खड़े हैं। अगर आखिरी मौके में बीजेपी बच गई, उसी के साथ बनाना पड़ा तो क्या करेंगे, पहले भी तो बनाई थी, तो बाद की बात है, पहले भी तो बनाई थी, वो देखेंगे ना जब बड़े लोगों का, पहले भी तो आपकी सरकार बनी, हाईकमान का फैसला होगा जो, अच्छा मतलब अभी हाईकमान का, हाँ वो जब उनका होगा वो देखेंगे ना, लेकिन अभी तो नहीं है। हाँ जी जी, पहले गवर्नमेंट बनाई थी तो मुफ्ती साहब का विजन बहुत साफ था, उन्होंने ये कहा था मैं अपने अगले फ्यूचर के लिए, क्योंकि मैंडेट जो जम्मू वालों ने मैंडेट जो बीजेपी को दिया था, हमें जो पीडीपी को मैंडेट था वो श्रीनगर से मिला था, तो अगर उन्होंने बनाई थी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर के भले के लिए बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया, उन्होंने तोड़ दी सरकार, तो उसमें उनकी गलती थी, हमारी कोई गलती नहीं थी, तो मुफ्ती साहब ने आने वाले फ्यूचर के लिए इनके साथ हाथ मिलाए थे। आखिरी एक सवाल पूछूंगी, अगर आने वाले समय में भी यही विकल्प बचता है कि पीडीपी और बीजेपी आमने सामने होती हैं, तो क्या पीडीपी उनके साथ दोबारा से जाएगी? नहीं, ये देखिए ये बड़ी बातें हैं, कोई पता नहीं होता सियासत में कि कौन दोस्त है कौन किसी का दुश्मन है, तो अगर जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए कोई कदम उठाएंगे तो जो महबूबा जी है वो बड़ी समझदार है, वो देख लेंगी लोगों को, वो उनको अपने लिए तो कुछ नहीं है, उन्होंने लोगों का भला चाहना, तो देख लेंगी कैसा चलना आगे।